दोस्तों आपको भी हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैम ये बताइए, यूपी के अंदर खड़े हैं योगी आदित्यनाथ की 7 साल की सरकार हो गई, महिला होने के नाते ये बताइए सुरक्षा में क्या बदलाव आया? सुरक्षा में बहुत बदलाव है। अभी हम ये देखते हैं कोई भी छोटी मोटी दुकान हो, कोई भी लेडीज हो, कुछ भी काम कर रही है, बेच रही है, उसके आसपास किसी की हिम्मत नहीं कि कुछ बोल जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और पहले ऐसा होता था कोई लेडीज बैठने में संकोच करती थी और जेंट्स उसकी दुकान में जाते थे तो लेडीज को एक अजीब सा अनुभव होता था। अभी तो हम देखते हैं आराम से लेडीज अकेले दुकान चला रही, बल्कि जेंट्स से डर रहे हैं जी। तो ये बदलाव नहीं है, बहुत बड़ा बदलाव है। महिला सुरक्षा को लेकर तो काफी हद तक काफी अच्छा हुआ है जब से मोदी जी आए हैं। कांग्रेस सरकार में इतना अच्छा नहीं था। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। यहाँ से पहले गहलोत की सरकार थी, बोल सकते हैं 100-100 था, बट मोदी जी पे ज्यादा बिलीव है कि वो ज्यादा बेस्ट कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड आर्मी में, उनके लिए बहुत अच्छा वो किया है, चाइना से का बचाव के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट वगैरह अच्छी सब सुख सुविधाएं, मतलब पीएम मोदी ने बहुत कुछ किया है, चेंज कर दिया है हमारे इंडिया को। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कितने साल हो गए आपके हस्बैंड को? 4 साल हो गए, चौथी चले। उन पहले जो सरकार थी इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी, आज आर्मी के लिए इज्जत से रहती है आर्मी। प्रियंका गांधी, आपको लगता नहीं कि एक महिला होने के नाते वो ज्यादा अच्छा कर सकती है आप लोगों के लिए? अब वो क्या कहते हैं, उन दोनों भाई बहनों में ही नहीं बन रही है तो आगे क्या कहे हम बताइए। वो बहनों के लिए क्या कह सकती, वो तो हमेशा कहती है कि लड़की हूँ तो लड़ सकती हूँ, बिना लड़े भी तो हम लोग एक साथ खड़े हैं। देखिए यहाँ इतनी महिलाएं खड़ी हैं और भाजपा की ये शक्ति है, कहाँ हम लोग आपस में लड़ रहे। वा, 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 वा। और वो हम लोगों को ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि लड़की है तो लड़ेंगे। अरे लड़ने से क्या होता है, अगर आप में ताकत है तो बिना लड़े भी आप पहुंच सकते हैं कहीं भी। देश को बेच दिया मोदी जी ने अडानी अंबानी। कौन कह रहा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी कहेगा और कोई ना कहने का, एक राहुल गांधी है जो कहेगा या केजरीवाल। इन्हें शर्म माननी चाहिए, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी तो आप जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, आप महिला, आपकी हित की बात करते हैं, मोहब्बत की मोहब्बत की वो मोहब्बत कुआरा है, मोहब्बत की बात नहीं करेगा तो किसकी करेगा वो, ये बता। उसे मोहब्बत चाहिए हाँ, तो वो मिली नहीं उसे भी। जनता की आवाज के ना कांग्रेस सुनती है, मोदी जी नहीं। जनता की आवाज तो मोदी की सरफ है, योगी और मोदी। मोदी गुजरता देखा आपने, कैसे नारे लगते हैं है? और पप्पू जाता है, क्या होता है, जाता कोई ऐसे घूम जाते, स्पीड घुमा लेते। राहुल गांधी की आपने बात करी, ये ऐसी गारंटी दे रहे हैं कि यदि आप उन्हें प्रधानमंत्री चुनेंगे ना तो हर साल 1 लाख रुपए देंगे, हर साल 1 लाख। हमें चाहता नहीं मिला 70 साल, किसको मौका मिला कांग्रेस पार्टी को? ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस ने बहुत काम किए, लेकिन इस टाइम कोई भी ऐसा नेता नहीं है कांग्रेस में जो मोदी का सामना कर सके, मुकाबला कर सके। राहुल गांधी जी है, ममता बनर्जी है, हम जानते नहीं है। जानते ही नहीं है, नहीं है। जानते ही नहीं है, है कौन ये राहुल जी, आई डोंट नो। क्यों इतने बड़े कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं? पहले भी बीजेपी में थे, आज भी बीजेपी में हैं। बीजेपी वाले ही सब से जब से पैदा हुए आज तक अब बीजेपी बीजेपी है। बीजेपी को ही सपोर्ट किया है, मैं भी बीजेपी को ही सपोर्ट करूंगी हमेशा। वाह 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 वाह। चाहे सिलेंडर कितना भी महंगा हो, भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1000 का भी हो जाए, 1500 का भी हो जाए, कोई फर्क खरीदेंगे। अगर मैं महिला सुरक्षा की बात करूँ तो पहले से बेहतर है या पहले जैसी हालत? महिला सुरक्षा की बात करें तो जो जितनी भी मुस्लिम महिलाएं हैं जितनी हैं, उनके लिए मोदी जी ने क्या नहीं किया, उनको भी तो बाहर निकाला है। 3 तलाक का मामला था तो मोदी जी ने उनको भी घर से बाहर निकालने के लिए किया है, तो महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा रहा है। वा, 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 वा। और मोदी जी एक बार क्या 1000 बार आएंगे, और वही 2024 में भी और आगे भी रहेंगे महिलाएं मोदी जी के साथ। बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं कि हम इतने आम आदमी हैं, इतने ईमानदार व्यक्ति हैं। कोई नहीं है, वो नहीं है हमारे, हम तो उसी इलाके से हैं जहाँ से मनीष सिसोदिया जी हैं। वो भी जेल में है, वो भी गलत थे। बिल्कुल गलत थे। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को। बिल्कुल, इस मामले में वो गलत थे जो उन्होंने शराब घोटाला किया। अब दो मनीष सिसोदिया हो गए, उसके बाद उनके 2 मंत्री और हो गए,
वो जेल में है, अब अरविंद केजरीवाल भी उसी तिहाड़ जेल में चले गए हैं। क्या लग रहा है कि पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी ही भ्रष्ट है, सब तिहाड़ में जा रहे हैं? हाँ है तो ये गलत, शराब तो बिल्कुल गलत है, इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें माफी मांगनी चाहिए, जाके डूब के मर जाइयो कहीं। अभी चुनाव होने जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस बार विपक्ष का गठबंधन है जिसमें बड़े बड़े चेहरे हैं, अरविंद केजरीवाल भी है, राहुल गांधी भी है, लग रहा है टक्कर दे पाएंगे, सरकार किसकी बन पाएगी? मोदी जी की ही बनेगी। वाह 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 वाह, मोदी जी की ही बनेगी? हाँ जी। और क्यों बनेगी, ऐसा क्यों लगता है आपको, इतने बड़े बड़े चेहरे सामने? राहुल का तो कोई पूछता भी नहीं है, और अरविंद केजरीवाल को उनकी ऐसी की तैसी नहीं। राहुल गांधी अब कह रहे नया वाले राहुल गांधी है, ये पुराने वाले मर चुके हैं, नया वाला राहुल गांधी है, ये नया वाला राहुल गांधी कह रहे पुराने वाले को खुद मैंने ही मार दिया, ये नया राहुल गांधी। अच्छा, फिर मैं नहीं जानती इनको, मैं नए वाले को नहीं जानती। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।